हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंफ्रा माइंड के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विप्रो एग्जाम के रिजल्ट के न्यूज के बारे में। मतलब कि जो लोग भी इस साल विप्रो का एग्जाम दे चुके हैं तो उनके रिजल्ट के बारे में हम तीन ऐसी पर्टिकुलर न्यूज आपको बताएंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किन किन लोगों का रिजल्ट आएगा विप्रो एग्जाम का। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड कैसे करना है, मतलब कि आपको अपना रिजल्ट देखना कैसा है। और फाइनली हम बात करेंगे रिजल्ट की डेट के बारे में कि किस डेट के अंदर रिजल्ट आएगी। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप हमारे नेक्स्ट अपलोड को मिस ना कर सके। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम के न्यूज के बारे में, मतलब कि किन किन लोगों को एग्जाम का रिजल्ट शो करेगा, कौन कौन से वे लोग हैं जो अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने कैंडिडेट हैं वो सभी लोगों का रिजल्ट आएगा, वे सभी लोग अपना अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप फेल हो चुके हैं, आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो आप घबराइएगा मत, आप बेफिक्र रहिए, सभी लोगों का रिजल्ट आएगा, सभी लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया, रिजल्ट कब तक आएगा, सर रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सभी लोगों का रिजल्ट आएगा। आप जितने लोग भी एग्जाम दे चुके हैं वे सभी लोग अपना अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला न्यूज। अब बात करते हैं सेकंड न्यूज के बारे में। तो हमारा सेकंड न्यूज ये है कि रिजल्ट जो है आपको डाउनलोड कैसे करनी है, रिजल्ट आपको देखना कैसे है। तो जो भी आपका रजिस्टर ईमेल आईडी था उसी ईमेल आईडी पर विप्रो ये रिजल्ट आपके पास सेंड करेगी। मतलब कि आप एग्जाम को फिल करते समय, एग्जाम फॉर्म को फिल करते समय जो भी अपना ईमेल आईडी रजिस्टर किए होंगे विप्रो एग्जाम के लिए, मतलब कि जो लोग भी अपने अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन किए थे विप्रो एग्जाम किस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो उसी रजिस्टर ईमेल आईडी पर आपका रिजल्ट आएगा, चाहे आप एग्जाम क्लियर किए हो चाहे आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हो। तो ऐसे दोनों कंडीशन में, दोनों ही केस में रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। आपको कहीं पर भी जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाकर आपको रिजल्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाके आपको रिजल्ट को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट एक टाइम ड्यूरेशन के भीतर आएगा जिसमें आपको रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है, अगर आप रिजल्ट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो बाद में आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साफ साफ है विप्रो एग्जाम की तरफ से हर साल एग्जाम कराया जाता है और वो सारा रिजल्ट जो है वो कैंडिडेट के रजिस्टर ईमेल आईडी पर ही सेंड करती है। तो आप घबराइएगा नहीं, रिजल्ट जो है आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड न्यूज। तो हम बात करते हैं थर्ड और फाइनल न्यूज के बारे में, रिजल्ट की जो है वो डेट कब तक है, आखिर किस डेट पर रिजल्ट आएगी। तो जहां तक की न्यूज आ रही है सामने कि रिजल्ट जो है इस मंथ के आखिरी डेट तक या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। तो आप आराम से वेट करिए, आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, आप अपने एकेडमिक पे फोकस करिए, आप रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए कि रिजल्ट आएगा कि नहीं, आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, आप अपने काम पे फोकस करिए। तो रिजल्ट जो है वो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर इस महीने के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो आई होप आप सारे न्यूज़ को समझ गए होंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी ये रिजल्ट की अपडेट मिल सके। तो लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे नेक्स्ट अपलोड को मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।